एक और एहतजाज की तो नाबीना अफराद भी मुतालिबात लेकर मैदान में आ गए हैं। प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज है, हुकूमत रोजगार मुहैया करे नाबीना अफराद का मुतालिबा। मुजाहिरीन का कहना है कि पुलिस अफसरान की निगरानी में नाबीना अफराद से खाकरूप का काम लिया जा रहा है। आपको अपडेट करें, नाबीना अफराद में मुतालिबात के लिए डट चुके हैं। प्रेस क्लब के बाहर इस वक्त नाबीना अफराद सरापा एहतजाज है, हुकूमत रोजगार मुहैया करें नाबीना अफराद की जानिब से मुतालिबात किए जा रहे हैं। मुजाहिरीन की जानिब से यह भी बताया जा रहा है कि पुलिस अफसरान निगरानी में नाबीना अफराद से खाकरूप का काम करवाते हैं। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदा अरसलान हैदर से। जी अरसलान, बताइएगा नाबीना अफराद अपने मुतालिबात के हक में डट गए हैं, क्या कहना है इनकी जानिब से? अफराद बड़ी तादाद में इस वक्त इकट्ठे होकर और अपने मुतालबात लेकर इस वक्त मैदान में आ चुके हैं। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर नबीना अफराद की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर सरापा एहतजाज है। नबीना अफराद की जानिब से सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है और प्रेस क्लब के चारों तरफ में इस एहतजाज के बाद शदीद ट्रैफिक जैम भी है। अफराद की जानिब से मुतालबात किए जा रहे हैं और इस पर बड़े मुतालबात जो है सामने लेकर आए हैं। पहला मुतालबा तो यह है कि दो जो इनका कोटा था वो 2 से बढ़ाकर 6% किया जाए और इसके बाद 2% कोटा जिस्मानी के मजदूर अफराद को, 2% कोटा जो है वो इनमें से जो गूंगे बहरे हैं और 2% कोटा जो है नबीना अफराद को दिया जाए। 50% यूटिलिटी बिल्स में डिस्काउंट भी दिया जाए और इसके साथ साथ सूबाई असेंबली में इनका कोटा भी मुख्तस किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को भी रेगुलर किया जाए। नबीना अफराद के जो सदर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं मजीद क्या मुतालबात ये जो यहाँ पर लेकर रहे हैं। सर बताइएगा, सड़क ब्लॉक है, शहरियों को भी मुश्किल के सामने हैं, आप लोगों का क्या मुतालबात है? सर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हम भी मुश्किल से दो चार हैं तभी यहाँ पे आए हैं। हम तमाम ब्यूरोक्रेसी से तंग आकर उनकी रवायती हटदर्मी, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, CPO, DPO, DIG, ये तमाम लोग बिल्कुल बेहिस हो चुके हैं। रास्ते मदीना में नाबीना अफराद से गटर साफ़ कराए जा रहे हैं, लेटरिनें साफ़ कराई जा रही हैं। रास्ते मदीना में तो इमामत दी जाती थी नाबीना अफराद को, मगर यहाँ पर असूल कुछ उल्टा है। हजूर, हमारी ये गुजारिश है कि हमें इज्जत दी जाए, हमें रोज़गार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अगर एहसान हम पे कर दिया है तो उसका खुदारा मुकम्मल तौर पर हुक्म माने और हमें बाइज्जत रोज़गार दें ताकि हम बाइज्जत शहरी बन सकें और हमारे लिए कानून साजी की जाए, पॉलिसी हमारे लिए बनाई जाए। 81 ये जो नबीना अफराद हैं, इनके मुतालबा तो सुनी लिए हैं कि यहाँ पर जो पहले से नबीना अफराद जिन महकमों में काम कर रहे थे, इनका ये कहना है, इल्ज़ाम किया जा रहा है कि इनसे जो है वहाँ पर स्वीपर ठीक है, बाइज्जत रोजगार फराहम किया जाए, नाबीना अफराद की जानिब से ये कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अरसलान हैदर।